सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मानव जागृति एवं सेवा ट्रस्ट द्वारा शिव महाप्राण कथा का आयोजन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात स्थित लोहार धर्मशाला में किया गया। कथा व्यास राम अवतार जी महाराज अयोध्या वाले ने शिव महापुराण का सुंदर व्याख्या की। राम अवतार जी महाराज ने बताया कि चारों धाम ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो रखा है, वहीं शिव ज्योतिर्लिंग ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। कथा के अंतिम दिन राष्ट्र की वंदना भी की गई। संगीत के द्वारा आयोजन को आध्यात्मिक चरम पर पहुंचाया गया। कथा में मानव जागृति एवं सेवा ट्रस्ट के सदस्यों सहित स्थानीय लोगों ने भी काफी संख्या में भाग लिया। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। बालक की मृत्यु हो गई, श्रावण का महीना चल रहा था। गोस्वामी ने शंकर जी प्रतिदिन की भांति, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए, आज भी बनाए, शिवार्चन किया, तालाब में विसर्जन करने गई। विसर्जन करके बालक की याद आ गई तो नेत्र सजल हो गए और बोली, बाबा इस प्रकार लेना था तो दिया क्या? और इतना कह के वापस आने लगी तो पीछे से आवाज आई, माँ माँ। पलट कर देखा तो बालक तालाब से निकल कर आ रहा था। माँ ने कहा, पुत्र तेरी तो मृत्यु हो गई थी। जो ही बालक आया उसी समय शंकर जी प्रकट हो गए। इसी कामना के साथ कि हमारा देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, हमारे देश में हिंदुत्व के प्रति लोगों में एक भाव जागृत हो, मैं अक्सर कहता हूँ जागृत हिंदू, संगठित हिंदू तो सुरक्षित हिंदू। मेरा एक तरह से स्लोगन है कि जागृत हिंदू, संगठित हिंदू तो सुरक्षित हिंदू। इस भावना के साथ हम बाबा से प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि बाबा ऐसी कृपा करो कि सारे हिंदुओं में ये भावना जागृत हो, हिंदू हिंदू के साथ खड़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए बहुत सुंदर राष्ट्रीय गीत का आनंद लेते हुए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, देश को और विशेषकर हिंदू समाज को जागृत करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं प्रायः कहता हूँ कि जागृत हिंदू, संगठित हिंदू तो सुरक्षित हिंदू, क्योंकि हिंदू जागेगा नहीं तो हमारा सनातन धर्म कैसे बढ़ेगा। इसलिए हम राष्ट्रीय गीत यहाँ पर रखें और प्रायः हम रखते हैं। मेरी नज़र में
सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जब देश की उन्नति होगी, दोनों का आवश्यक होना। बस मेरा यही संदेश है कि आप सभी लोग शिव महापुराण कथा का रसपान किए हैं, इसका आनंद लें और इसको अपने जीवन में उतारें, इसका चिंतन मनन निध्यासन करें। आपके परिवार में सुख समृद्धि तभी बढ़ेगी जब आप भगवान शंकर की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। सोमनाथ के सानिध्य में आज हम यहाँ भगवान शिव जी की कथा सेवा संस्था है उसके माध्यम से आज हम धन्य हो गए भगवान शिव जी का और हमारे ये शास्त्री जी महाराज का इतनी सुंदर कथा हमने। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी कथा हो रही है वो मानव समाज के उत्थान के लिए और उसकी सेवा के लिए, वो मानव समाज की सेवा के लिए ये हो रहा है। तो बहुत इसमें किसी का ये नहीं है कि भाई ये हमारे हम पैसा कमाने के लिए कर रहे ऐसा कर रहे, लेकिन बहुत बहुत में हम धन्य और सबसे बड़े भाग्यशाली हम है कि विश्वकर्मा अतिथि भवन और ये जो हमारा आज ये सोमनाथ के सानिध्य में हमारा जो संस्था हमने अभी बनाई है तो उसमें आके भगवान शिव जी का यहाँ स्मरण हुआ, राम अवतार जी महाराज से ये जो कथा हुई, बहुत बहुत हम धन्य हो गए, बहुत धन्य हो गए, हमारी भूमि भी धन्य हो गई और पूरी मानव समाज का सबका बस कल्याण हो यही हमारी शुभकामना है। माँ शिव प्राण मानव जागृति सेवा मंडल द्वारा आयोजित किया गया और ये लोहार धर्मशाला सोमनाथ जी में इसका आयोजन किया गया था जिसमें सोमनाथ जी के इस लोहार धर्मशाला में बहुत ही यहाँ की जो ट्रस्ट है उनका बहुत सहयोग मिला और हमने सभी भक्तों ने इस कथा का आनंद लिया। महाराज जी की ये जब भी कथा करते हैं तो यहाँ इनका एक विशेष स्वभाव होता है, बड़े सभी आनंद लेते हैं, बहुत ही भगत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये कथा सबको पार उतारने वाली है, हमारे नेमिशन में गौशाला बन रही है उसके निर्माण के लिए जो भी यहाँ लोगों ने कुछ सहयोग दिया और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ जो भी भक्तगण आए हैं या जो भी हमारे मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी गौशाला के लिए सहयोग दें क्योंकि हमारी जो अगली कथा अगले साल अगले वर्ष जो कथा होनी है वो नेमिशारण में होनी है, उसका उद्घाटन भी नवंबर मास में किया जाना है। सब जो भगतगण ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच कर और धर्म लाभ उठाएं,